अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं। आज की मेरी ज़बरदस्त सी रेसिपी है छोले चावल, जो मैंने बहुत ही मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाए हैं। आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा इसको, आप रायते के साथ खाइएगा। इस पर मैंने मिक्स प्याज टमाटर और खीरे वाला रायता भी बनाया था। तो चलें चलते हैं हमारी रेसिपी की तरफ। इस पर मैंने 3 मीडियम साइज़ की प्याज ले ली थी और 4 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए थे। इनको मैंने पेस्ट बना लिया था, टमाटर की प्यूरी बना ली थी और साथ ही मेरा लहसुन अदरक का पेस्ट भी तैयार है 2 टेबल स्पून। यहाँ पर मैंने स्पाइसेस ले ली, आप अपने हिसाब से क्वांटिटी ले लीजिएगा कि कितना ज़्यादा कितना कम लेना है। और यहाँ पर मैंने छोले भी बॉयल करके रखे हुए हैं। अब मैं यहाँ पर 1 कप ऑयल ले लूँगी। इसमें जो मैंने प्याज का पेस्ट बनाया हुआ है वो मैं ऐड कर दूँगी और उसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लूँगी। देखें, कच्ची प्याज अगर हम उसका पेस्ट बनाते हैं तो उसको बहुत ज़रूरत होती है भुनाई की, कि वो बहुत अच्छे से पक जाए। अगर कच्चा रह गया तो प्याज में सालन में प्याज का कच्चापन आ जाता है। तो आप इसको अच्छी तरीके से भून लीजिएगा तेल में। यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून ज़ीरा भी ऑयल ऐड कर दिया था, जो मैं भूल गई थी पहले। आप चाहें तो बाद में भी ऐड कर दें, पहले भी ऐड कर दें, कोई मसला नहीं है। इस पॉइंट पे मैंने वो ऐड कर दिया था। फिर मैं इसको अच्छी तरीके से भून लूँगी। ये देखिए, इसका कलर भी चेंज होता जा रहा है। अच्छी तरीके से इसको बिल्कुल भुनाई कर लेनी है आपने भी। अब मैं इसी दौरान यहाँ पे जो मैंने 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट बना के रखा हुआ था वो भी ऐड कर दूँगी। इसके साथ मैं अच्छी तरीके से इसको भून लूँगी ताकि ये भी बिल्कुल मिक्स हो जाए इसमें और हमारी प्याज बिल्कुल कच्ची ना लगे और लहसुन अदरक भी बिल्कुल अच्छी तरीके से भुन जाए। ये देखें, इसका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। हमारी प्याज अच्छी तरीके से भुन चुकी है और लहसुन अदरक भी। इस पॉइंट पे मैं अब इसमें स्पाइसेस ऐड कर दूँगी जो मैंने आपको बताए हैं पहले ही, और उसके साथ भी मैं इसको अच्छे तरीके से भुन लूँगी मसाले को हमारे। कितने अच्छे तरीके से ये भुन चुका है। अब मैं इसमें हमारी जो टमाटर की प्यूरी हमने बना के रखी हुई थी वो ऐड कर दूंगी। उसके साथ भी मैं अच्छे से इस मसाले को भून लूंगी। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बीच में पानी भी ऐड किया था जो मैं दिखाना भूल गई थी। तो आप भी अगर मसाला जलने लगे तो पानी ऐड कर दीजिएगा। ये देखें कितने ज़बरदस्त तरीके से ये भुन रहा है और इसका रंग भी कितना मज़े का लग रहा है। अब मैं इसको 10 से 15 मिनट के लिए ढक के रख दूँगी। और जब मैंने इसको खोल कर देखा तो ये देखिए, अच्छी तरीके से भुन रहा था, तेल भी ऊपर आ चुका है भुनाई में। तो मेक श्योर कीजिएगा कि मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी। यहाँ पे मैंने 2 से 3 हरी मिर्चें कट करके वो भी ऐड कर दी थी, क्योंकि फ़्लेवर आ जाता है बहुत ही ज़बरदस्त सा इसमें मसाले में। तो आप भी ऐसे ही कीजिएगा, इसमें हरी मिर्च ऐड कर दीजिएगा, उसके साथ ही इसको और भुन लीजिएगा। तो इसकी अच्छी तरीके से भुनाई के बाद मैंने इसमें छोले ऐड कर दिए। आप अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा आपको कितने चाहिए इसमें। तो ये मैंने एक पतीली के हिसाब से छोले ऐड कर दिए थे, उसको भी मैं अच्छी तरीके से भून लूँगी इसमें। ये देखिएगा, थोड़े से मुझे कम लग गए थे तो मैंने और ऐड कर दिए। और हाँ, एक और पॉइंट कि यहाँ पे आप पानी नहीं ऐड कीजिएगा, जो आपकी यखनी होगी जिसमें आपने छोले बॉईल किए होंगे वही यखनी आप इसमें ऐड कर दीजिएगा। मैंने 2 प्याली तकरीबन इसमें यखनी ऐड कर दी थी, जिस हिसाब से मुझे इसमें चाहिए था ग्रेवी। तो आप भी उसी हिसाब से ही ऐड कर दीजिएगा। फिर मैंने इसको ढक के रख दिया। इसको मैंने 20 से 25 मिनट ढक के रखा था, उस दौरान मैं चला कर देखती रही थी। ये देखें, मैंने बीच में खोल कर देखा था तो ये अच्छी तरीके से पक रहा था। फिर से मैंने इसको 15 मिनट के लिए ढक कर रख दिया। तो ये देखें, ज़बरदस्त तरीके से तैयार हो चुका है सालन। कितना मज़ेदार सा इसके ऊपर ऑयल आ चुका है, इसका रंग, इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त थी। इस पर मैंने हरा धनिया और हरी मिर्चें ऐड कर दी, अदरक भी ऐड की थी इसमें, वो मैं दिखाना भूल गई थी। तो ये आप भी ऐड करके इसको मैं डिश आउट कर लूँगी अब। तो ये देखें कितना मज़ेदार सा लग रहा है, इसमें ना ज़्यादा शोरबा है ना बिल्कुल सूखा सूखा है, बिल्कुल ज़बरदस्त परफेक्ट इसकी ग्रेवी है। इसको मैंने वाइट चावल बॉईल किए थे इसके साथ, आप चाहें तो रोटी से भी खा सकते हैं लेकिन चावल के साथ ये बहुत ही मज़ेदार लगता है। रायता आप चाहें तो सादा बना के इसके साथ सैलड बना लें, लेकिन मैंने मिक्स वाला बनाया था। इसमें खीरा, टमाटर और प्याज ऐड कर दी थी, थोड़ी एक हरी मिर्च डाल दी थी। ठीक है, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का। अल्लाह हाफिज़।